अब देखिए है। अच्छा अच्छा चलो ठीक है उनका। हाँ जरा जरा दूध दिखाओ पहले। हाँ ये है, अब ये उठवा के उनके करीब करवावा है। देखिए क्या हो रहा है, कहाँ से अस्पताल वाले मरे, ये गौशाला वाले कहाँ मर गए हैं। तब ए भैया अगर नहीं होगा ना हम लोग जेल जाना पड़े, लेकिन हम सरकार के खिलाफ बैठेंगे। अब समझ गए, एक तमाशा बना रखा है लोगों ने, एक एक करोड़ पाँच पाँच करोड़ रुपया सब खाया पिया जा रहा है गौशाला के नाम। ये क्या हो रहा है बोलो। हमारे घर में कारीगर लगा है, उसको छोड़ के हमारी बेटी आई है। तब आपके घर में कोई नहीं, आप भागे भागे फिर रहे अस्पताल वाले कहाँ से मरे, कहाँ से करें बेचारी। ये इनका काम है इंजेक्शन लगाना दवा देना, इनका काम नहीं कि तुम वो बच्चा पैदा करो दूध पिलाओ गोबर उठाओ। ये अस्पताल वालों के साथ जाति की जा रही है, ये जाति है अस्पताल वालों के साथ में। साथ के जानवर पड़े हैं पता लगा हमको। ये देखो धीरे धीरे रहो, सुनो कोई चीज़ से बैठे बुढ़िया रख गई बैठे के लिए। ए एक सुनो, वही चारे वाली बुढ़िया इनके पीछे रख कर जा रहा था। है नहीं पी रहा है बचिया की बछुआ है, बछुआ है। अरे नहीं, आखिर गौशाला वाले कहाँ है ये सरकार जवाब दे। ये पक्की जमीन पर जिनको रखा गया, कल हमारी बात हुई कि इसको बच्चा पैदा करके ही जो करा दिया जाए। हाँ डॉक्टर साहब बोले पहले बच्चा नहीं पैदा होगा। तुमने कहा अच्छा जब तक कितना समय लगेगा, तो कहा एक आध महीना लगेगा। तुम एक महीने तक जो है बच्चा पैदा करके नहीं। अरे बैठे बैठे उसके पेट में कीड़े बन गए होंगे या पड़ जाएंगे, घाव बन जाएगा और अंदर ही अंदर कीड़े खाएंगे। कल हम कहे हैं सूजन का भाई पैर टूटा है ना इसके। हाँ वही बता तो रहे कंपाउंडर साहब, वो भी झुक रहा था एकदम से। ये बच्चा पैदा करके ही मरेगी, बैठ गई है ना। और ये है कि पहले पैदा कर दी, ये दिक्कत होगी। उधर भी एक बछड़ा है, इधर ये दो एक बछड़ा एक बछड़ा यहाँ हाथे में घूम रहा है। सब 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 तोड़ा जा रहा है हड्डी, सरकार का बदनाम करेंगे। लेकिन सरकार भी तो जागे ना, एक साजिश चल रही है सरकार को बदनाम किया जाए। जितने अरे सुनो राजन के बछवा एक गैया वो के हड्डी टूटी गई। अरे अब बताओ ये दूध भी नहीं पी रहा माँ। ये सुनो गोविंद इसको लगाओ ठंड में लगाओ यार इसको, अगर ये माँ का दूध। हाँ यही तो भगवान नहीं, अगर इनका हम लोग घर ले चली मान लो, इससे बड़ी कोई शंकर जी का इनसे बड़ी कोई सेवा हो तो हमें बतावें। जो मारे जा रहे हैं लोग महात्मा लोग, हमें जवाब दो। गया करने जा रहे हो क्या बतावें हम, हम तो खुद गए रहे गरिया के आए वहाँ पर, सिर्फ आडम्बर बना दिया गया है, बस पैसा लाओ। सभी लोग गायत्री मंत्र पढ़ें, अब बताओ देहाती औरतें एक शब्द नहीं जानती। इक्यावन इक्यावन निकालो गायत्री बोलो, ये क्या हो रहा है नाटक। कहाँ नहीं तो घर तो ले चला जाए, लेकिन यह कि ये चिल्लाए ना, ये एक एक भून इसको चुपचाप निकालो, ये गाय देखने ना पावे, चुपचाप निकालो भैया। हाँ हाँ पहले पहले कंडीशन तो देखी, मान लो गाय तलपे लगे छटपटाए लगे जब हड्डी टूटी हो और मर जाए। हाँ उठाओ 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 धोन उठाओ जिस समय। अब हाँ अरे कपड़े गिनना चिंता करो, काम कर रहे हो गौशाला। चुप्पे चुप्पे चुप्पे। हाँ यह देखो ले लो बाहर ले लो। हाँ हाँ वही तो, ये देखो अभी आवाज़ दे हैं, देखो यह देखो यह देखो देखो। हम भाई बुढ़े हो गए यही करते करते, हमका सब मालूम है कब जानवर कौन हरकत करी। लो खिलाओ, अभी तो बच्चा भी है ना भगवान, इनका तड़प तड़प के मरना है। हाँ खड़े कोशिश कर रही है, खाओ इतने टाइम न कुछ खा रही न पी रही भगवान। कहाँ है भैया, एक समूह हियाँ रमू रखवाओ मचाई, समझो। हाँ लाओ हियाँ लाओ भुवन रमू, यह करो यह घास पर हम बिछा दे, चलो को यह घास लो, ये घास भेजा रहे लो इसे बिछाओ, लाओ जूट के बोतल हुआ रख दो, लाओ भुवन हियाँ उठा लाओ तो।
जब तक मोह नहीं पैदा करोगे बच्चों से कोई काम नहीं बनने वाला। हाँ ऐसे, हाँ एकदम मुंह के पास रखो सटा के, हाँ ऐसे रखो। ये मर गए हैं वो साला वाले, तमाशा होता है, बैठेंगे अनशन में तो हाहाकार मचवा देंगे, समझ गए। यही इसीलिए हम लोग आजाद हुए हैं, करोड़ों रुपए डकार रहे सब गौशाला वाले, कहाँ मर गए हैं वो साला वाले। अन्य सरकार ध्यान दे रही है, अस्पताल वालों के साथ जाति की जा रही है। अरे हजारों जानवर हैं, इनका इलाज करें, दवाई करें, मलहम पट्टी करें, लोग बुलाते हैं वहाँ बेचारे भाग के जाते हैं, सारा काम अस्पताल कर रहा है, जो करोड़ों रुपए गौशाला साला गौशाला बंद करो, सारा पैसा अस्पताल के दे दिया जाए, यही सब है। नहीं इतना कमजोर है ना एकदम, लेकिन चिल्लाए के लिए कमजोर नहीं है। देखो हाँ लेता देखो, ये थोड़ा उधरे करो, हाँ हाँ हाँ, अरे नहीं मुश्किल है, हाँ नहीं तुम डाले हो का ब्रेड, अच्छा भूसा कहाँ खाई है, ब्रेड खा नहीं रही है। सुनो रमू, इनके इनका सुनो 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 भोल, इसका मुंह पकड़ो रमू, इनका थोड़ा थोड़ा दूध धीरे धीरे जैसे चम्मच से डाला जा वैसे डालो, हाँ देखो, अरे राम राम, हाँ पता नहीं कुछ नहीं, वही मैं मान लो पैर ये नीचे पैर हुमस इसे चला गया हो, अच्छा हुमस उठा हुई अंदर, हाँ देखो रमू ये रखो, ये क्या मुँह में थोड़ा दूध डाल दो जाने हो, अरे न पी पाई परेशान ना, भयानक तकलीफ में प्रसव पीड़ा अलग, बच्चे की दिया है पीड़ा अलग, हाँ हाँ और का धीरे वही चम्मच के चम्मच जरा जरा सा उड़ेल उड़ेल दे, सिरिंज हाँ 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 ले आओ, अरे क्या पूछ रहा, बढ़िया आपने सोचा, हाँ ले लो कोई ले लो, नहीं बदबू आ रही है भगवान, अस्पताल अस्पताल अस्पताल, हाँ तो ये लोग कहें कहाँ है गौशाला वाले, वो मेरे यहाँ हाउसफुल है, खुश नहीं ताला लग जाना चाहिए, जितने गाय हैं सब सरकार भेजे गंगा जी के किनारे बाढ़, धीरे 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 धीरे, हाँ धीरे धीरे, नहीं लेकिन मतलब बात बताई थी ना कि कम से कम भूख प्यास है तो ना तड़प के मरे, ये अरे मच्छरदानी छोड़ो सब, यहाँ खाली स्प्रे कर दो बस, स्प्रे मिट्टी के तेल समझो, नहीं नहीं अब सफाई का अभी देखो हम अभी बात करते हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं भैया, सब नीचे से ऊपर तक मिली भट्टी है, समझ गए, तुम चलाया करो, तुम ना हो गए वो हो गए, तुम खाली चलाया करो बस, देखो कितनी मक्खी लग रही, बुरी तो बुरी तो नहीं, कीड़े अगर बन गए कहो कीड़े पड़ गए इसको, हाँ पिलाओ, हाँ 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 रुक जीव जीव जीभ जीभ ना दबने पागे, हाँ बगल से जा दो, हाँ बगल डालो डालो, हाँ धीरे 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 धीरे, हाँ वही तो, आवाज देखो चूंकि सांड है ना ये, यह देखो हाँ नहीं नहीं वो उठे कोशिश में है कि कोई तरीके से बच्चा जो है, ए भुवन इनको बच्चे को एकदम किनारे कर दो दीवार के, थोड़ा दूरे रख दो समझ गए, नहीं ये पैर उड़ चलाएंगे बच्चे को लगेगा चोट, वहीं किनारे कर दो, हाँ 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 अरे वो तो बेहोश पड़ा है, हाँ यह देखा ये हमारी कोशिश कर रही, अच्छा तुम इसको दिखावा क्या, ये पकड़ो हाथ गंदा है, अच्छा ठीक लो पानी में हाथ धो,
देखो क्या क्या तरकीब। अरे रुक जाओ, हम करिए था ना, रुक जाओ, कम से कम ये लोग सीखे जाने तो। ये करा कराए बुढ़े हो गए, कहाँ कहाँ कहाँ, अब सांड है ना, शरीर में कुछ है नहीं, लेकिन देखो आवाज है क्या, बोले अपना हाथ पहुँच रहे, इसमें हाथ पहुँचो, रुमाल रखा करो जेब में, अच्छा नहीं नहीं हाथ पहुँचो लुंगी में, कस के पहुँचो, ये देखो बंद न होने पाए इसका ध्यान रखिएगा। देखा देखा देखा, इसीलिए हमने कहा हमको सब आइडिया है, एक पैर अगर हाथ के पक गया तो मर जाएगा बच्चा, इसके नहीं अभी आए तो डॉक्टर बताएं, हम आए थे देखने पानी वानी का, जब सुनना था कम से कम पैर सजाई ली अगर तो पैर तो नहीं लगेगा, रमजान जो भजन जाते हो लोग मंदिर जाते हैं लोग, भाई हमारा बजन है सारे मंदिरों में ताला लगवा दो, सारे बाबाओं का कही ये क्या, ये कौन सा गया, दो गया करने जाते हैं, दो घंटे का गया होता है, दो घंटे का गया, हाँ हाँ डालो हाँ कोई नहीं, दो गया कर, ये अगरबत्ती आप ही सुन रहे हैं भैया, सुनो बजाए अगरबत्ती के तुम इस तरह कोई ले आओ और सुनो मिट्टी चेंज ले लो हमारे यहाँ, अरे इसके स्प्रे मार दो दूर से बात कोई मच्छी नहीं आएगी, वो तो बहुत महंगा पड़ता है, वो क्या नाम जो टॉपी केयर वाला वो बहुत महंगा है, क्या फायदा इनको बचना है, बचना भी हो तो खुद काम वो करो जो हमेशा निभा जाए, मिट्टी का तेल जो है वो सबसे सही है, सबसे सही हाँ मिट्टी तेल स्प्रे आपके यहाँ हो तो ले आओ और नहीं हमारे यहाँ ढूंढ ढाल के दें तो स्प्रे कर दिया करो, इस वक्त ये अगर भाई सात के जानवर लाइब्रेरी में पड़े हैं, सात के जानवर लाइब्रेरी में पड़े हैं, अभी इनको पता लगाएंगे जबकि उससे हम वीडियो बनाएंगे दिखाएंगे, ये हाल है बताइए, ये हिंदुस्तान है, लोग पूजा करते हो हवन करते हो, नवरात्र आ रहा है घर घर पंडित जी पहुंच जाएंगे, नहीं जो के हवन करने वाले कराने वाले ये हमको नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसीलिए कोई सुखे नहीं, इसीलिए कोरोना आया और लाखों करोड़ों को पेल पा के रख दिया, यहाँ लाइन नहीं लगी थी मान, यहाँ लाइन इनके पास लाइन नहीं, लाइन नहीं, अरे एक आदमी नहीं लाइन तो छोड़ो, मर रहे सबसे कारण हम बड़े खुश होते हैं, हमारी हमको बड़ा अच्छा और हर कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, पंद्रह दिन पितर चलेगा, फिर नवरात्र चलेगा जी, फिर उसके बाद फिर कुछ आ जाएगा, फिर धनतेरस दिवाली, आदमी काम है जो कभी ना करे बस इसी में फंसा रहा, देखा देखो कैसा जोर से सांस है ना, ये सांस है कितना ताकत, यहाँ अस्पताल में ना कोई बीमारदार के लिए है, देख रहे हो गंदगी, सफाई करने वाला जो है वो गाली सामान उतार रहा है, सुना ही नहीं सुना, वो गाली सामान उतार रहा है, सुबह क्या हो रहा है ये घर घर में गाय बंधेगी जब तक नहीं तब तक यही दुर्दशा होगी, यही हो घर घर भाई जिसके पास जगह नहीं है वो क्या करे, चक्कर ये है ना शहरों में जगह नहीं, हमने कहा था वहाँ प्रशासन में जब मीटिंग हुई थी और सारे डॉक्टर साहबान लोगों ने हमारी तारीफ किया था, आज एक मुस्लिम समाज के अहमद बनारस से आजमगढ़ के रहने वाले वो बड़े तारीफ किया कि बाबा जी आपने क्या गजब के सुझाव दिया था कि कोई गौशाला की जरूरत नहीं है, करोड़ों का जो गेम हो रहा है कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे नदी के किनारे गंगा के किनारे एक एक किलोमीटर के बाड़े बनाओ, एक एक किलोमीटर के तार की जाली लगा दो, बस बस अब बेरोजगार घूम रहे हैं उनको छोटी मोटी नौकरी भी दे दो कम से कम तनख्वाह में, उनके लोग देख सक्षम रूप से रूप हो गया, अगर ये शहर के अंदर वहाँ होती जंगल में तो ये गाय की दुर्दशा होती, जगह 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 घूम घूम, बताओ घर में तारीखा लगा ये सब छोड़ के आई बताइए, कल भी आप लोग आए थे, हम भी आए थे कल, कल सुबह आए थे शाम को आए, चिंता फैलाना तुम घर जाओ,
शाम को आके पिलाएंगे फिर शाम को इसको कहीं छिपा के यही में रखे नहीं कहीं छिपा के रखो यहीं पर न रखे सुनो किधर तुम देखिए मैं रख लो तो मैं बंदर भोज कराने जाएंगे ना उधर से लौट के फिर आएंगे इधर तो हम लेते ना हम इसको छुपा के ही रखे दे रहे ना नहीं गायब होगा बाल्टी भी देखिए रखे हैं तब अरे वो क्योंकि ही बाल्टी है इसलिए बच गई देखो अपने ही बाल्टी हम पहचान गए ना अरे हमको पता था कि ये टूटी हुई है इसका कोई काम है नहीं आपको टूटी है मगर काम कर इनके काम में आ रहे भैया जरा पूरा ध्यान रखो है ना ताकि हम तुम्हारा भी ध्यान रखेंगे इशारे में समझ जाना थोड़ा ध्यान जरूर रखे थोड़ा भैया उसका जो है थोड़ा फेनाइल ला के डाल दो समझो सब कुछ है कोई दिक्कत हो या ऊँचा भूसा हटाओ भैया भूसा न खाए समझ गए धोए इनको भूसा लेके मत आया करो इनको रोटी लेके आओ चना लेके आओ घास लेके आओ घास तो छू ही नहीं रही ना अरे नहीं कुछ तो खाया था चलो घास नहीं छेड़ा था नहीं खा रही आपके लिए कहा कल भी हम बोले आज भी बोलेंगे ऑनसन की धमकी भी दिया अगर गौशाला सरकार नहीं बंद करवाती है तो हम अनशन में बैठे गौशाला चल रहा है यहाँ जानवर पड़ा वहाँ पर ए सुनो एक सिंह बच्चा और घूमत रहा अंदर घूम रहा है घूम रहा जैसे अच्छा तो इसको बाहर अगर ये कर दिए होते ना कहीं कौन गाय को यहीं बाहर होती ना अब तो बारिश हो नहीं रही ज़्यादा सही रहता चलो सफाई हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं थोड़ा सा लाया करो मिट्टी के तेल स्प्रे करो अच्छा इसका क्या तकलीफ है ये भी पड़े हैं देखिए इनको क्या तकलीफ इनके मुंह में बस पानी ही डाला जा सकता है बोतल से रमो बचा हम बोतल में पानी लेके आते हैं थोड़ा मुंह में पानी डाला जाए हाँ ये पकड़िए लाओ ये देखो यहाँ बोतल रखा है लाओ पानी ये इसी बाल्टी से ले लो अच्छा लाओ हाँ वो पानी भी अरे अब वो पानी पिएगा नहीं क्या फायदा पहले बोतल में लाओ हाँ यह हाल है देखो उनका टूटा फूटा है वही चोट के खाए बछिया है हाँ वही कहा वही क्या पैर में यहाँ चोट है यह क्या राजन के बच्चियों को यह इतना चोट रहा देखो यहाँ सूजन है मजे के हैं बस नहीं गाँव के नहीं फोन जात है नेता लोगन के अस्पताल वाले लाद फान के दिया आज नहीं ये कौन डाल दिया अच्छा अच्छा ये क्या तकलीफ का है कुछ जाने भगवान हमारे बच्चे यही लगे हम बम यही लगे बम फोड़वा दें
कितने दिन से देख बूढ़े हो गए यही लापरवाही, गौशाला गौशाला गौशाला। हम भले प्रशासन ने राय दिया रहे कि जितने गौशाला हैं सब नदी किनारे रखे जाएं, कोई राशन पानी नहीं कि उनको टेंट हो के दिया, तमाम जगह पड़ी है सब। हाँ जब देखो भैया किनारे किनारे से, हाँ नाक में न जाए नाक में न जाए। हाँ धीरे 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 जमू, हाँ धीरे धीरे बगल बगल से देव, हाँ बगल से देव। और जीप दबने न पावे, जीप जरा भी न दबे। हाँ पी रहे हैं ना ये अंजलि, बचपन से इतनी बड़ी रही तब से काम कर रही, आज तक हम लोगों ने एनजीओ के लिए सोचा भी नहीं, न गौशाला न एनजीओ कि पैसा होवे। तब आज ललकार के बोल रहे हैं, लेकिन अब जनता, जो जनता करोड़ों में अगर हमारा साथ नहीं देती है सारा पाप जनता को लगेगा। न सरकार दोषी है, न अस्पताल दोषी है, न गौशाला दोषी है, दोषी है जनता। करोड़ों में आप मैसेज भेजो सरकार के पास कि सारे गौशाला बंद करवाइए, नदी किनारे भिजवाइए, आप कोई गौशाला नहीं हो, बड़े बड़े बाड़े बनवाओ, प्राकृतिक रूप से इनको रखा जाए। भगवान श्री कृष्ण के ज़माने में गौशाला नहीं था और प्राकृतिक रूप से जानवर रहा करते थे सब। देखो भयंकर प्यासा है, पता नहीं कब के प्यासा हुए, कुछ पा नहीं रहा, पी रहे हैं ना। तब रोज भैया आ जाओ, समझो कि ये 1 करोड़ बार भुवन सिंह गया है आपका, समझ गए, 1 करोड़ बार गया जाने का फल है भैया। बहुत से लोग उसमें होते हैं ना भाई, बाबा रहे पर बाबा रहे पता नहीं उनका गया हुआ नहीं हुआ। जवान बछिया है ये गौ माता है, गौ माता की जय हो। पंडित जी बैठे हैं, जरा गौर बनाना है जी, गोबर दे आइए, पकड़ के गर्दन पंडित जी का रगड़ दे यही ऊपर आके, ये नहीं तुमको दिखाई पड़ता, तुमको जिसके यहाँ कथा कहो से कहो बताओ कि पहले आप गाय की सेवा कीजिए, तब हम गाय की तब गाय के गोबर की पूजा करेंगे। गाय मर रही तड़प तड़प करके, ना हम लोग आए होते सोचिए, ना कल हमसे परसों बताए होते, दो जानवर अभी परसों ही ख़त्म हो गए यही कमरे में। यह देखो रुक जाओ देखो एकदम से ना डालो कहीं, अगर नहीं अगर फेफड़े में चला गया इनके हैं कहे जी, खींच लो, हाँ ये भी ठीक, कान पकड़ के खींचो, हाँ ये देखो आ गए, अब अभ्यास है इनको बचपन से, पकड़ा कान देखो खसका दिया, थोड़ा और खसका दो हाँ ताकि ये बैठ सके। हाँ शाबाश, निशा शर्मा बेचारी के लावारी इस गाय बांधे इतने दिन से मर रही हैं, कोई सेवा कोई मतलब नहीं। ए सुनो भुवन, जो गौशाला सोचो वो निशा शर्मा को भी शामिल करो, अरे आप गौशाला खोलिए सरकार की, हम ऐसी तैसी कर देंगे, कौन सरकार ऐसी तैसी कर देंगे, हमसे ज़्यादा ना कोई बाबा है ना कोई नेता है, समझ गए। हाँ हमारे रहते हुए जो करना है कर लो, सरकार कौन सरकार, हमसे ज़्यादा वर्ड को चैलेंज मैंने किया है, और सरकार ध्यान देगी, योगी राज में सब कुछ होगा, योगी राज में ही हम लोग SPCA के मेंबर बनाए गए हैं, तब वो सब ध्यान देंगे। हाँ 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 अरे अब भुवन एक काम करो, ये बाल्टी लेते जाओ उसी में पानी ले आओ। अच्छा अच्छा ले आओ, हाँ इसका पूरा भैया ध्यान रखो, जो कुछ होगा हम समझेंगे। क्या करें, इनको भी सफाई करनी है, लेकिन इनके 50 काम इनके जिम्मे है। गाड़ी आई है लोड उतारो, अभी गए देखा जाके सामान उतार रहे हैं, हर काम के लिए हर राज हैं इनका, अब चोट चपेट है हाँ ग्लूकोज या कैल्शियम, हाँ ये भी सही बता रहे, ठीक है डॉक्टर से बात करी थे, ठीक है हम केंद्रों को बंद कर रहे हैं, जहाँ इनके बारे में थोड़ा कैल्शियम ग्लूकोज की बात करें।
बहुत भयंकर ये लोगों का दर्द है जितना, एक तो दर्द निवारक इन लोगों के इंजेक्शन लग जाए। देखो वो भी कही कि भैया हमको लिखिए, या तो आप लगवाइए या तो हम मंगवाएं बाजार से, दर्द निवारक वैसा लगवाइए क्या लगवाइए, जब तक सामने खड़े ना हो काम ना हो। तो हाँ हाँ कहिए, हाँ गलत तो है, अरे यहाँ कहीं भूल जाए तो फिर यही भर के हुई इसे खोपड़ी में है गाय क्यों ना हुई। तो अब तुम घर जाओ समझो, अब जो इंजेक्शन पे देखो हमने अभी बातचीत करी थी, तुम घर जाओ भाई, जितना हम लोग कर सके तो हम लोग करी, क्यों इनको दर्द निवारक इंजेक्शन अभी लगवा दें, इंजेक्शन लगा है इनको लगा। अच्छा अरे पता नहीं कैसा लगा है क्या लगा हो, अरे ऐसे नहीं हम देखो हाँ नहीं कहीं नहीं, इंजेक्शन लगा है क्या लगा है बस लोग डाल के चले जाए, पता नहीं कि क्या नियम है। हम अभी डॉक्टर साहब से कह दे कोई जानवर आवे उसको आप अस्पताल में ना आने दीजिए, उसको रखिए उनसे कहिए मंदिर के सामने उतारो जाके। हाँ धीरे धीरे खा रहा है, थोड़ा थोड़ा डालो, ये बैठ नहीं पा रहा है, ये बैठ जाए तो चबा लिए भोन लिस्को, एक मिनट रुको। हाँ गाय है जाओ अली लेके डाल के चले गए, बस हो गया, बंदर के सामने पैकेट डाल दिया बस हो गया है, वही काम तुम्हारे साथ कोई करे। दिखाओ ले आई जाके देखो वहाँ से कुछ दिन नाटक चला गौशाला में, सब कोई जानवर हियाँ नहीं रहा है। हाँ 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 कि यहाँ हाँ सब जानवर नहीं आ रहे थे। ए थोड़ा थोड़ा डालो भुवन, ए भुवन थोड़ा थोड़ा करो यार, थोड़ा थोड़ा हाँ बाहर करो, आगे पड़ा रहेगा वैसे भी जीप से खा जाएगा वो, यही देखो बातचीत करी थे कि भाई यही का जो है कोई और भी दर्द वाली इंजेक्शन लगे है ना। हाँ 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 चलो भुवन तुम भी चलो, तुम्हू चलो 5 मिनट के लिए।